धार की भोजशाला मामले पर आज 22 जुलाई को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने इस मुद्दे की स्थिति पर महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर स्टे लगा हुआ है, इसलिए हाई कोर्ट सभी पक्षों को सुनने की स्थिति में तब तक नहीं रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे नहीं हटाती। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि रिपोर्ट बड़ी होने के कारण उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटने के बाद ही इस मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी। भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट और इसके क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जिसके चलते इंदौर हाई कोर्ट ने अपने निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक स्थगित करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 जुलाई को होगी, जिसके बाद इंदौर हाई कोर्ट मामले की आगे की सुनवाई के बारे में निर्णय लेगा।